आज जब कोरोना के इस समय में शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करने की दिशा में हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, ऐसे में जिला टैक्सेशन बार एसोसिएशन के प्रधान अशोक गोयल ने लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने पूरे घर को इको फ्रेंडली बनाया है, घर की छत को ग्रीन रूफ बनाते हुए इसमें किचन गार्डन के अलावा छोटा सा पार्क बनाया है जिसमें एक फाउंटेन भी लगा है। छत पर सब्जियों के अलावा औषधीय पौधों में एलोवेरा, गवार, तुलसी, कड़ी पत्ता जैसे पौधे उगाए हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं पौधों के नाम व पूरी जानकारी। इलायची का पौधा है, अब इसके बीज आने शुरू होंगे इलायची के। ये भिंडी का है और सीजनली है, ये गुलाब है, ये कुमार पट्टा इसको हम कहते हैं अलवीरा। ये कड़ी पत्ता है, काफ़ी बीमारियों में वैसे भी काम आता है कड़ी पत्ते का। ये गलौकी है, नींबू और संतरे का। ये इसकी खासियत ये है कि इसको 2 फुट के पौधे पर ही बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल लगते हैं। मिट्टी है, ये पूजा के लिए बहुत उपयोगी है और इसका दूध लगाने से अगर इसका कहीं भी किसी को भी खारिश हो, दाद, फुंसी, कुछ भी बीमारी हो, इसका पत्ता तोड़ के जो भी दूध निकलेगा वो लगा लो, सारी उम्र बीमारी नहीं आएगी। तुलसी ऐसे रामा भी है और श्यामा भी है, ये काफ़ी बीमारियों में तुलसी काम आती है, हमारे काफ़ी लाभदायक है तुलसी का। एडवोकेट होने के साथ साथ ये घर पर जो प्लांट लगाया हुआ आपने, तो इसकी प्रेरणा आपने कहाँ से मिली? ये मुझे बचपन से ही हमारे परिवार वालों ने, हमारे बुजुर्गों ने, मेरे पिताजी ने, जब हमारे मकान यहाँ कच्चे होते थे तो आंगन के अंदर पेड़ पौधे लगाते थे, वहीं से हमें यह प्रेरणा मिली और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आगे प्लान बनाया कि अब जैसे मकान पक्के हो गए रिवाज के मुताबिक, तो हमने इसका प्रोग्राम छत पे बनाया ताकि नीचे जगह कम होने की वजह से छत पे इसको हम हरियाली कर सकें, और इसलिए हमने छत पे सारा ये प्रोग्राम बनाया। कि आपने किस किस चीज़ के पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे? मैंने काफ़ी तरह के औषधीय पौधे, फलों के पौधे, सब्जियों के पौधे और सजावट के फूलों वगैरह के पौधे हमने यहाँ लगाए हैं, ताकि औषधीय जो काफ़ी तरह के औषधीय फल हमने लगा रखे हैं, और मोहल्ले में किसी को भी कोई दिक्कत बीमारी आती है तो वो यहाँ से काफ़ी औषधीय जड़ी बूटियाँ यहाँ से हमसे लेके जाते हैं और काफ़ी मोहल्ले को राहत भी मिलती है इससे। इनकी देखभाल कैसे करते हो सर आप? देखभाल मैं स्वयं सुबह जल्दी उठ के, इस बहाने सैर भी हो जाती है, एक्सरसाइज भी हो जाती है, और मैं समय समय पर इनकी देखभाल करता रहता हूँ। काफ़ी जब जरूरत पड़ती है किसी माली को, किसी हेल्पर को, मैं गाइड के लिए बुला लेता हूँ ताकि वो मुझे गाइड करता रहे। उनसे मैं गाइडनेस लेके, प्रेरणा लेके फिर मैं सेल्फ, और कभी कभी मेरे बच्चे और परिवार भी मेरी हेल्प करते हैं इस मामले में। इस समय आप कौन कौन सी सब्जियाँ ले रहे हो? आजकल जैसे अभी सीजन चल रहा था, तोरी का सब्जी, घिया की सब्जी, भिंडी, और अभी आने वाले समय में अगले महीने पालक भी हमने लगा दिया है आने वाले समय के लिए, मेथी भी हमने लगा दी है, और मूली की भी पौध हमने लगा दी है। मूली का भी जो बीज है वो बाहर से मंगवाया है ताकि वो मूली, जैसे मूली पक जाती है वो मूली का बीज पकने नहीं देता मूली को, कितनी भी लंबी मूली हो जाए वो पकेगी नहीं मूली। थोड़े सी टमाटर की भी पौध लगाई है, धनिया लगाया है, अभी फ़िलहाल हमारे पास भिंडी के और घिया के और तोरी के पौधे चले हुए हैं, बाकी काफ़ी तरह के अमरूद के, चीकू के, बेरी के, पपीते के हमने फलदार पौधे भी लगाए हैं, और कुछ खुशबू के जैसे रात की रानी है, चमेली है, इनके इनसे वातावरण भी शुद्ध रहता है और घर में शांति भी रहती है और परिवार को थोड़ा सा रिलैक्स भी महसूस होता है इससे। आप इनके अलावा किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए और इसके साथ साथ क्या क्या काम करते हैं सर? मैं जिला टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का प्रधान होने के नाते नाते टैक्स की वकालत करता हूँ, और समाज सेवा कई संस्थाओं से, शहर की, समाज की और बाहर की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। हरियाणा, पूरी हरियाणा टैक्स जो बार है हमारी, पूरी हरियाणा की, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। ज़िला बार एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और जो हमारी टैक्स प्रैक्टिस एसोसिएशन है उसका मैं चेयरमैन हूँ। पिछले साल मैं अग्रवाल सभा का भी चेयरमैन रहा हूँ, और जो हमारी अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की दिल्ली का ही है उसका भी मैं लाइफ मेंबर हूँ, और अभी हाल ही में 2020 में ही चाइल्ड वेलफेयर चंडीगढ़ का भी मुझे लाइफ मेंबर मनोनीत किया गया है। इसके साथ साथ मोहल्ले की जो संस्था है, हमारे मोहल्ले में 400 के करीब परिवार हैं, उनकी जो संस्था है उनकी भी प्रधान की जिम्मेवारी मेरे पास है, और काफ़ी समाज से भी, इसके अलावा भी काफ़ी समाज सेवा से जुड़ा हुआ है।